नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त चला है आज की मुख्य खबरों का। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सफीपुर क्षेत्र में भीषण मार्ग दुर्घटना में करीब 20 लोग गंभीर घायल हैं। दर्दनाक हादसे में 6 सवारियों की मौत बताई जा रही है, अन्य कई लोग गंभीर घायल हैं। उन्नाव से बस हरदोई सवारी लेकर जा रही थी। सफीपुर क्षेत्र के गांव जमलदीपुर पेट्रोल पंप के पास अपर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें घायलों को तत्काल पुलिस ने इलाज हेतु सीएचसी पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना, सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने सीएचसी पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि सौरभ वाजपेयी ने घायलों का हालचाल लेकर सांत्वना दिया। डॉक्टरों ने आनन फानन में घायलों का इलाज किया। मार्ग दुर्घटना से आसपास क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। आज रंग 28/4/2024 को जमलदीपुर के पास एक ट्रक में और बस में भिड़ंत हो गए, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं और 20-22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें कुछ लोगों को 9 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्नाव भिजवाया गया है और इतने ही लोगों को कानपुर हेलेट हॉस्पिटल भिजवाया गया है और तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई है। आवश्यक कार्रवाई विधि कार्रवाई की जा रही है। ट्रक ड्राइवर और ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।